जलंधर के पंजाब केसरी ग्रुप और जग्गी गैरेज विचकार विवाद थम्मण का नाम नहीं ले रहा। हालांकि पूरा मसला हाईकोर्ट विच भी पहुँच गया सी, पर इसके बावजूद विवाद अजे खत्म नहीं होया। वर्कशॉप के मालक बलबीर सिंह उर्फ जग्गी ने गैरेज नूं जाण वाला रस्ता खाली करवाउण लई एक बार फिर जलंधर के पुलिस कमिश्नर नौनिहाल सिंह नूं लिखती शिकायत दित्ती सी, जिस विच जग्गी ने दोष लगाए सन कि पंजाब केसरी अते जगबाणी के मालकां ने गैरेज वाले रस्ते नूं अपनियां गड्डियां लगा के ब्लॉक किया होया है, जिस कारण उस नूं परेशानी हो रही है क्योंकि उसके गैरेज विच खड़ियां मुरम्मत कीतियां गड्डियां उन्होंने मालकां नूं नहीं दे पा रहे क्योंकि पंजाब केसरी वालों पूरा रास्ता बंद किया होया है। बलबीर सिंह जग्गी की शिकायत तो बाद पुलिस कमिश्नर नौनिहाल सिंह ने रास्ता खाली करवाने लई डीसीपी ट्रैफिक नरेश डोगरा की ड्यूटी लगाई, जिस तो बाद डीसीपी नरेश डोगरा ने मौके का जायजा लिया, पर बलबीर सिंह उर्फ जग्गी का दोष है कि डीसीपी डोगरा उसनू अते गैरेज विच खड़ियां गड्डियां दे मालकां नू मिले बिना ही पंजाब केसरी दे उसारी अधीन होटल विच चले गए। वो काफ़ी देर तक अंदर रहे। इस दौरान मुरम्मत कीतियां गड्डियां दे मालकां ने डीसीपी डोगरा नाल गलबात करन दी कोशिश कीती, तां उन्हां कहा कि असी मौका देख लईए फिर तुहाडे नाल गलबात करदे हां। डीसीपी साहब साडी रिक्वेस्ट सुनो, डीसीपी साहब दोष लगाए कि डीसीपी डोगरा अपने किसी खास आदमी की गैरेज में आई गड्डी दूजे रस्ते कढवाउण आए सन, ना कि रस्ते खाली करवाउण। इस मौके गैरेज के मालक जग्गी ने कहा कि पुलिस प्रशासन दबाव हेठ काम कर रहा है। मेरा नाम सुखविंदर कुमार है जी, ठीक है। मैं तकरीबन 3 महीने पहला जग्गी भाई नूं गड्डी ठीक करनी दित्ती सी और मेरी मर्सरी एस क्लास है गड्डी और तकरीबन पता ही है मर्सरी एस क्लास किन्ने दी आंदी है और 19 दिनों तो तकरीबन 1.5 महीना हो गया गड्डी ठीक होई नूं और 1.5 महीने तो गड्डी मेरी इत्थे खड़ी गल रही है। डेली जाने के डेली रोज़ लार लगते भी अज पुलिस कमिश्नर साहब नूं कहता अज डीसीपी साहब ने आना, रोज़ असी देखी जाने कोई नहीं आया। अज मौके ते कहा सी सानू इन्हें जग्गी ने भी अज पुलिस आके साडियां गड्डियां कढ़ाऊगी। असी जद इत्थे मौके ते आए हैं तो मौके ते डीसीपी डोगरा साहब आए, डीसीपी डोगरा साहब की कहिंदे ड्यूटी लगी हुई है इत्थे ये गड्डियां कढ़ाण दी। जब डीसीपी डोगरा साहब आए तो डीसीपी डोगरा साहब ने पिछे दी एक गड्डी कढ़न, पता नहीं वो किसी डीजीपी साहब की सिफारिश के बंदे जिन्हां दी गड्डी हैगी है, ठीक है, उन्हां दी सिफारिश की गड्डी नूं कढ़न लई पिछे दी एक रास्ता बना रहे डोगरा साहब। डोगरा साहब आप खड़े होकर वो रास्ता बना रहे कि हाँ भाई तुसीं एक गड्डी इत्थों दी कढ़ दो, बाकियां गड्डियां रहण दिओ, ये गड्डी कढ़ लो। तो मैं पुलिस प्रशासन को पूछना चाहुंदा हाँ कि किने हक दिता इन्हां नूं रास्ता रोकण दा, किने इन्हां नूं की हैगा कि इन्हां दा की लड़ाई है की हैगा आ जिन्ना साडियां गड्डियां खराब हो रही हैं। साडियां गड्डियां एक चीज़ भी आउंदी उहदा घट्टो घट 50,000-60,000 की गड्डी कोई भी पार्ट आउंदा, साडी गड्डी मेरे टायर गड्डी दे खड़ी दे गल गए, ठीक है जी। गड्डी कढ़न नूं दिक्कत यह कि इत्थे नहीं है ना, जगबाणी वालिया ने सानूं सुणिया पता लगा भी पंजाब केसरी वालिया का होटल बन रहा है, होटल बनता पिया तो होटल बनते वो शायद जिहड़ा मकैनिक है वो इन्हां दा झगड़ा है रास्ते रुस्ते का, वो रास्ता लेना चाहते हैं कि इन्हां दा घर खरीदना चाहते हैं, जिस वजह ना उन्हां नूं ये तंग करते पे। तंग करने लई उन्हें एक गड्डी लिया के अपनी पूरी रास्ता ब्लॉक करता उन्हां दा घर दा आन जाण दा भी, आन दा अंदर भी नहीं जा सकती उन्हां दी कोई गड्डी, बाहर भी नहीं आ सकती, साडियां गड्डियां भी अंदर खड़ियां आ। हुण ये दसो कि पुलिस प्रशासन कोई ये कित्थे दा कानून है कि तुसीं रास्ता सरकारी रास्ता रोक लोगे, ठीक है, कि जे मानते हैं कि असीं जगबाणी वाले बहुत वड्डी पावर आ, पर ये तो नहीं हैगा कि वह कानून तो वड्डे हो गए। ये असीं चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन इनू सख्ती ना देखे और साडियां गड्डियां कढ़ावे, असीं रिक्वेस्ट ही करते हैं। फिलहाल सर मेरा नाम है रमनदीप सिंह, मैं जग्गी मकैनिक जग्गी भाई दा गैराज ही पार्टनर असीं दोनों, ठीक है। सानू प्रॉब्लम आ रही है तो 2 साल पहला साडा तुसीं देख सकते हो पिछे साडा रस्ता ब्लॉक किया गया, साडे नाल होटल बन रहा पंजाब केसरी वालियां दा, उन्हां दे तरफों साडा रस्ता सारा किया गया ब्लॉक, ठीक है जी। फिर असीं इत्थे सिविल सूट पाया सी, इत्थे साडी कोई सुनवाई नहीं हुई, फिर असीं माननीय हाईकोर्ट दे गए हां, उत्थे जाके असीं अपनी पटीशन फाइल की, ठीक है जी, कोर्ट के तरफों ऑर्डर किए गए
गड्डिया कढ़ा कोर्ट की ऑर्डर की डेट हैगी 2/9/2020 ठीक है जी। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिए DCP साहब को, DCP साहब ने SDM साहब की मौजूदगी गड्डिया जो ब्लॉकेज कढ़ाती, फिर सर अद्धे घंटे बाद अद्धा घंटा भी नहीं होया उन्होंने दोबारा सारी ब्लॉकेज लाती ठीक है, जहाँ तो बाद सडनली उन्होंने फिर ब्लॉकेज लाती। सर एक साल हो गया एडमिनिस्ट्रेशन से, कभी किधर जा रहे हैं, अपनी दरखास्तां दे रहे हैं, मेला पा रहे हैं, हर कोशिश हर महकमे असी दरवाजे खटखटा चुके हैं, साडा काम साडी रोजी रोटी असी फाइनैंशली भी बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, इस करके साडा काम बिल्कुल ठप हो गया, तो साडी किसी ने सुनवाई नहीं की गई। तो अज फिर साडे कस्टमर ते हुण एक गड्डी इन्होंने अज तो 3 महीने पहले लगाई है कि ईवन साडा एंट्रेंस है टोटली ब्लॉक करती उन्होंने ठीक है, जिदे करके अंदरली गड्डिया साडे कस्टमर्स हैं काफ़ी उन्होंने कॉस्टली कार हैं सारिया 3 महीने ने तो अंदर स्टक हो गई ठीक है जी। तो इस करके फिर अज असी दोबारा सारे इकट्ठे होके गए सी डोगरा साहब को जो ट्रैफिक दे है, तो उन्होंने कहा जी मैं मौके पर आके गड्डिया कढ़ा रहा, बट सर उन्होंने एक गड्डी कढ़ाने का सारा अटैम्प्ट किया, वो उन्होंने कोई नोन होने बंदे कोई प्रैशर आया होना ठीक है जी, उन्हों की गड्डी ये लीगल वे इलीगल वे ना उत्थों कढ़न की कोशिश की इन्होंने, तो कस्टमर वगैरह सारे आए थे उत्थे काफ़ी ज़्यादा उन्होंने कस्टमर ने डोगरा साहब नाल गल करन की कोशिश की, पर उन्होंने उन्होंने कोई गल नहीं सुनी। तो सर असी बहुत ज़्यादा परेशान हाँ ठीक है जी। सर ये गड्डिया जगबानी होटल बना रही साढ़े नाल बिल्कुल साढ़े नाल लेबर ही कह सकते हो तुसी, ये उन्होंने थ्रू सारा रस्ता ब्लॉक किया गया, उन्होंने गड्डिया लाई दी हैं, ईवन के गड्डिया पर तुसी देख सकते हो उन्हों की बैजिंग हुई दी है पंजाब केसरी वाले की जी। इस तो इलावा कई दरखास्त संबंधित थाने में दे चुके हो, सर असी एडमिनिस्ट्रेशन दे हर जगह जाके असी दरखास्तां दित्तियां, साडे को सारी A-Z डायरी नोट इवन साडी किधरे भी कोई सुनवाई नहीं हुई। साल 2020 दे विच तुसी इक दरखास्त दित्ती सी तुहाडे जिहड़े लेबर काम करदी उन्हां नूं मारा कुट्टन दी धमकी दित्ती गई जी सर बिल्कुल, मारिया कुट्टिया भी जी, इस संबंधी भी तुसी शिकायत संबंधी थाने दित्ती सी, उत्ते कोई कारवाई? कोई कारवाई नहीं हुई सर, कोई सुनवाई नहीं हुई साडी, साडा ईवन गेट पटिया गया तुसी देख रहे हो, बेला लाए सी, किसी ने कोई कारवाई नहीं, ईवन की पंजाबी कहिंदे कि किसी दे कन्न उपर जू नहीं रेंगी। कारण की मानदे सर? कारण तुसी भी जानदे हो पंजाब केसरी वाले ठीक है काफ़ी पहुँच रखते हैं, पर सर एक चीज़ का मैनू भी बड़ा हो रहा कि ये कानून तो भी वड्डे हो गया, जिदा देखा जाए तुम ये कह रहे गैरेज के उ रिहायश भी है ठीक है जी, उदा ना खास था अगर किसी एमरजेंसी की लड़ पै जाए या अंदर कोई वड्डा हादसा हो जाए वो जिम्मेवारी कि होगी? सर असी प्रशासन को भी ये चीज़ लिख के दी है, कल नूं कुछ इस तरह इंसीडेंट हो जाता है कोई एक्सीडेंट अंदर कोई फायर केस हो जाता कोई बीमार एमरजेंसी करना पैंदा ते अगर किसी का कुछ भी होएगा ये जिम्मेवार होंगे, असी अपने प्रेस नोट भी दस्या है DCC साहब नूं भी असी अपनी एप्लीकेशन दिखाई है, वो पूरा असी सारी चीज़ क्लीयर दिखाई है जी, जगबानी वाले इस चीज़ के जिम्मेदार होंगे। सर बिल्कुल कुछ भी साड़ी कोई सुनवाई नहीं हुई, बिल्कुल अनदेखा करता। अगली रणनीति क्यों होगी? सर अगली रणनीति है कि कल साढ़े वकील साहब है सारे कस्टमर वो कल DC साहब को जाके एक बार फरियाद करांगे, जे अगर वो नहीं करते फिर उन्होंने लाया कि असी रस्ता ब्लॉक करांगे धरना लगांगे। सर देखा जाए जिदा अज क्या एक गड्डी के कारण डोगरा मौके पर पहुंचे जी सर, सर हुण चलो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कोई वड्डे अफसर जी उन्होंने ब्रदर की कार है उन्होंने प्रेशराइज वास्ते उन्होंने गड्डी कढ़न आया स्पेशल वो भी चोरी सर, यानी कि ऑर्डर वालों तो ये ऑर्डर किया गया कि रस्ता साफ, हाँ जी सर ऑर्डर होया कि सारी गड्डिया रस्ता साफ करा जाए सारी गड्डिया, पर नहीं वो उन्होंने ये तो ग्रांट चलाई है नवीं जिहड़े रस्ते तो गड्डी कढ़न लगे सी वो किन्ने देर तो रस्ता बंद कीता सर? वो नियर अबाउट तुसीं लै लो 2 साल तो रस्ता इन्होंने प्रॉपर कब्जा किया सी अपने, यानी कि 2 साल तो जिहड़ा रस्ता बंद किया गया सीगा वो अज सिर्फ एक गड्डी कढ़ा, बिल्कुल एक गड्डी कढ़ाने वास्ते दोबारा उन्नू खोल रहे सी। ब्यूरो रिपोर्ट दैनिक सवेरा TV। अलीशा बेगम एक औरत का दुख एक औरत ही समझ सकती है, रूहानी अते काली शक्तियां दी मालकन दुनिया दा सब तो चमत्कारी इल्म मेरे कोल है, मेरे कीते नूं कोई कट नहीं सकदा, काला इल्म करना अते तोड़ना हर एक दे बस दी गल नहीं, परेशानी जिवें लव मैरिज पति पत्नी च झगड़ा सौतन दुश्मन तो छुटकारा तलाक केस बुरे सपने विदेश यात्रा बुरी संगत जां नशा छुड़ाना बीमारी च दवा ना लगना वशीकरण एक सच्चाई है, वशीकरण करवाओ मन चाह प्यार पाओ, की तुहाडी किस्मत च लॉटरी दा योग है जां नहीं सच्चाई जानो, लॉटरी नंबर पाओ भावें 649 होवे जां लोटो मैक्स, 11 घंटे च करवाओ हर परेशानी दा हल घर बैठे, अष्टाम पेपर ते लिख के लवो कम दी गारंटी, जा कहने तो बाहर है तुरंत संपर्क करो, तुहाडी हर गल गुप्त रखी जाएगी। अलीशा बेगम।
वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट सारियां थामा तो निराश होते मायूस होने वाले एक बार फोन जरूर करो जिवे चाहोगे ओमे होएगा इट्स माय प्रॉमिस इमीडिएटली रिजल्ट ओपन चैलेंज इल्मा दे माहिर ए टू जेड समस्यावां दा फोन ते घर बैठे करवाओ हल वशीकरण ते मुठकरनी लव मैरिज सौतन ते दुश्मन तो छुटकारा पक्का काम पक्का हल 101% गारंटी अष्टाम पेपर समेत सब तो पहला काम करन दा वादा नौकरी प्रमोशन कारोबार च परेशानी घर च झगड़ा कोर्ट केस तलाक प्रॉपर्टी झगड़ा पति पत्नी चनपन जादू टोना मनमोहनी वशीकरण करवाओ जा तोड़वाओ रुसे नु मनाओ हुणे कॉल करो बाबा सलीम खान 98199 37467।